जय श्री श्याम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग अब स्टार्ट कर चुके हैं बेटा अपनी अकाउंटेंसी 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है बेटा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। और उसकी कई सारी क्लासेस बेटा हम लोग कर भी चुके हैं। अब जो हमने लेटेस्ट स्टार्ट किया बेटा, उस पर हमने स्टार्ट किया था कि कैसे हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है उनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने दो वैल्यू कैलकुलेट करनी सीख ली। पहला था बेटा पार्टनर्स सैलरीज और दूसरा था पार्टनर्स कमीशन। आज की क्लास में हम उससे थोड़ा सा और आगे चलेंगे बेटा, और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो आज की क्लास में हमें सबसे पहले ये देखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कैलकुलेट करती दफा हमें किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, और वो कौन कौन से केस है बेटा जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कैलकुलेट होगा और जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कैलकुलेट नहीं होगा। तो आई होप बेटा आपको बड़े अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाएगी। तो बेटा स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास। करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। सबसे पहले आपको समझना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है और फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों प्रोवाइड करती है। देखिए, हम लोग जब अकाउंटेंसी पढ़ते हैं तो बेटा अकाउंटेंसी में एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो उसके अकॉर्डिंगली फर्म इज अ सेपरेट एंटिटी एंड ओनर इज अ सेपरेट एंटिटी। और एक फर्म को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बेटा पैसा चाहिए, बजाय किसी और से पैसा लेने के फर्म क्या करती है, ओनर से पैसा ले लेती है। अब क्योंकि फर्म इज अ सेपरेट एंटिटी, ओनर इज अ सेपरेट एंटिटी, तो अगर फर्म किसी और से पैसा लेती तो उस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता, नहीं करना पड़ता। तो इन द सेम मैनर अगर ओनर एक सेपरेट एंटिटी है तो बेटा फर्म जो है ओनर को भी उसका जो अमाउंट है जिसको हम कहते हैं कैपिटल, उस पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। और इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म है उसके लिए खर्चा है। फॉर फर्म इट इज एक्सपेंसिव, बट फॉर पार्टनर इट इज इनकम। ठीक है, तो यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के पीछे जो लॉजिक है बेटा वो है बिजनेस सेपरेट एंटिटी। ठीक है, तो अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने में हमें किन किन चीजों का खास ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि देयर मस्ट बी अ पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल उस सिचुएशन में प्रोवाइड किया जाता है, पहली चीज, जब पार्टनरशिप डीड हो। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, पार्टनरशिप डीड होनी भी चाहिए और उसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके पार्टनरशिप डीड में एक प्रोविजन भी होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन नहीं है तो हमें फॉलो करना पड़ता है बेटा पार्टनरशिप एक्ट 1932, और उसके अकॉर्डिंगली हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करते हैं। फिर तीसरी बात करते हैं बेटा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बेटा हम हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करते हैं। कई बार क्या होगा, आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लोजिंग बैलेंस मिलता है, तो उस क्लोजिंग बैलेंस को पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा ओपनिंग बैलेंस में। कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अगर हमारा फिक्स कैपिटल मेथड हो, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो, तो आज की क्लास में अभी आगे हम लोग ये भी स्टडी करेंगे। अब इसके बाद आता है बेटा आई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन बाय द फर्म, ठीक है, फॉर द पीरियड फॉर विच फर्म यूज्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल इन करंट अकाउंटिंग पीरियड। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन लोन की तरह होता है। जितने महीने इस साल में फर्म ने अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज किया है उतने ही महीने का इंटरेस्ट फर्म उनको प्रोवाइड करती है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कई बार क्या होगा, क्वेश्चंस में एडिशनल कैपिटल होगा, कई बार विड्रॉल ऑफ कैपिटल होगा, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। हो सकता है कि आपकी जो फर्म है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट ना हुई हो, तो आपको ये भी देखना है कि कितनी तारीख को फर्म स्टार्ट हुई और कितनी तारीख को आपकी बुक्स की क्लोजिंग है। तो जितना टाइम पीरियड आएगा बेटा उस टाइम पीरियड के लिए ही आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद जल्दी से हम कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। अगर हमें क्लोजिंग
बैलेंस ऑफ कैपिटल ले रखा है तो कैसे बेटा हम लोग ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट्स और इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो देखिए बेटा, जब हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले हमें देखना है कि फर्म फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रही है या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर फिक्स कैपिटल मेथड यूज करती है बेटा और आपको क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस दिया है तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। कैसे? सबसे पहले आप लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, उसमें ऐड करेंगे विड्रॉन ऑफ कैपिटल, लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल, तो आपका आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है जब हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं बेटा तो हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट, और उसमें कैपिटल डू नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली, और वो जो चेंज होती है वो केवल दो रीजन से होती है बेटा, एक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और एक विड्रॉन ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो इसलिए केवल ये फॉर्मूला आपको यूज करना है ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए जब आप फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हैं, और अगर आप कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का यूज तो उसमें बेटा आपको ध्यान रखना है ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल में से ऐड करना है बेटा विड्रॉन ऑफ कैपिटल। विड्रॉन ऑफ कैपिटल मतलब ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, फिर ऐड करना है ड्रॉइंग्स, नॉर्मल ड्रॉइंग्स जिसको हम कहते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, फिर आता है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और ऐड करना है शेयर ऑफ लॉस अगर उस साल में फर्म को कोई लॉस हुआ है। ठीक है, लेस करना है एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो आपका आ जाएगा बेटा ओपनिंग कैपिटल। अब आप समझिए यहां पर ऐसा क्यों होता है, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो उसमें बेटा हम एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसको कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में हम सारी एडजस्टमेंट करते हैं रिगार्डिंग आपका एडिशनल कैपिटल, विड्रॉन ऑफ कैपिटल, रिगार्डिंग नॉर्मल ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, यानी वो सारी चीजें जो ओपनिंग बैलेंस को बढ़ा रही है वो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लिख देते हैं। ठीक है, और जो घटाती है उसको डेबिट साइड में लिखते हैं, तब आता है क्लोजिंग बैलेंस। अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी है, हमें ओपनिंग की तरफ जाना है, इसलिए हमें ऑपोजिट चीजें करनी पड़ती है बेटा, जो हमने ओपनिंग कैपिटल में से माइनस किया था वो हमने यहां पर ऐड कर देना है, और जो हमने ओपनिंग कैपिटल में ऐड किया था बेटा उसको हमें लेस कर देना है, तो आपका आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। तो ये कैसे, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे अगर हमारा फिक्स कैपिटल मेथड हो और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो। ठीक है बेटा, अब इसके बाद जो हम बात करेंगे कि देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा या फिर नहीं होगा, तो होगा तो कैसे। तो बेटा अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, कि किन किन केस में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, किन किन केस में कैलकुलेट नहीं करना है। तो सबसे पहला जो केस होता है बेटा वो आता है व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, हमारी पार्टनरशिप डीड ही नहीं है फर्म में, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो बेटा अप्लाई होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, और ये कहता है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल तभी प्रोवाइड करना है जब पार्टनरशिप डीड हो और उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके प्रोविजन भी हो। दूसरा केस है व्हेन देयर इज अ पार्टनरशिप डीड बट नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए यहां पर पार्टनरशिप डीड भी है बट पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके कोई प्रोविजन नहीं है, पार्टनरशिप डीड में लिखा है सैलरी देनी है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज करना है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके कुछ भी मेंशन नहीं है। तो बेटा जहां पर पार्टनरशिप डीड में किसी चीज को लेके कोई प्रोविजन ना हो तो वहां पे फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगेगा, और नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द फर्म। ठीक है, तीसरा केस है व्हेन देयर इज अ प्रोविजन फॉर आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनरशिप डीड, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है बट ये नहीं बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज चार्ज और इट विल बी ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशंस। जब कुछ ना लिखा हो बेटा तो हम इसको एप्रोप्रिएशंस मानते हैं। अब एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? अब एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि अगर लॉस है तो
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, ठीक है। तो यहां पे भी कई सारे केस बन सकते हैं कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन है, ठीक है, और हमको उसको एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है, तो लॉस के केस में क्या होगा, ठीक है, चलिए प्रॉफिट है बट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, या प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इक्वल है, या फिर प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है, तो हमें क्या ट्रीट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सीखेंगे, ठीक है, और उसके बाद प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनरशिप डीड एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज चार्ज, ठीक है। यहां पे लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, उसका प्रोविजन है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें क्या मानना है, चार्ज मानना है, चार्ज मानना है, तो बेटा हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा, ठीक है, गिवन बाय द फर्म, इवन इन केस ऑफ लॉस, लॉस के केस में भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। देखिए यहां पे डिफरेंस समझिए, यहां पे भी पार्टनरशिप डीड का प्रोविजन है बट यहां पे कुछ नहीं लिखा है कि उसको क्या ट्रीट करना है, तो हम उसको एप्रोप्रिएशन मानते हैं और यहां पे हम नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, आईओसी लिख देता हूं, इन केस ऑफ लॉस यहां पे हम नहीं देते हैं, क्यों, क्योंकि हम इसको एप्रोप्रिएशन मानते हैं, प्रॉफिट होगा तो देंगे और यहां पे प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। बट जब लिखा है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज चार्ज, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फिर ना, ठीक है। तो यहां पे इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि उसके ट्रीटमेंट के बारे में कुछ लिखा है या फिर नहीं लिखा है। तो आज की क्लास में केवल इतना ही करेंगे, ठीक है। अब ये जो दो केस रहे बेटा, क्योंकि इनमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना ही नहीं है, ये जो दो केस रह गए इनको विद एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करके देख लेंगे कि भाई अगर डिफरेंट डिफरेंट केस हैं तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है और किस किस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और किसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। तो आप लोगों को बताना है कि इनमें से आपको कौन सा ट्रीटमेंट समझ में आया और कौन सा ट्रीटमेंट समझ में नहीं आया। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।